Hello everyone, a warm welcome to you all in today's EVS class. So my dear shining stars, today we are going to start theme number 7. First of all, I am going to tell you password of the day. What is the password of the day? House. Password of the day is house. And what is the spelling of house? H. Boliye ma'am ke saath. H. O. O. U. बेटा मैं आपको तो बोलने दो U S S E E and what is the spelling of house? Repeat कीजिए H O U S E yes H O U S E house. What is the password of today? House. क्या होता है house? घर. Yes, घर. So students, in today's EVS class, we are going to start our new theme, theme number 7, Myanmar World, in your EVS magic book. Students, our 6 themes complete ho gayi hain. Aur aap sab ne unko acche se samajh liya hai, worksheets ke through, activities ke through, question answers ke through. To aaj hum theme number 7 shuru kar rahe hain. To kya hai is theme mein? Is theme mein hum janenge हाउसेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. घर तो जो क्या किसे कहते हैं? घर एक ऐसी जगह जहां पर हम सब रहते हैं. हम सबको रहने के लिए जगह चाहिए होती है ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं. और घर हमें प्रोटेक्ट करता है हीट, रेन, कोल्ड, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स. और हम फील और कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना घर में. क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि ये हमें इनसे बचाता है. हीट बोलिए. हीट, कोल्ड, डस्ट. यस, रेन बचाता है ना हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, थीव से, वाइल्ड एनिमल्स. हर चीज से हम कहां प्रोटेक्ट फील करते हैं? अपने घर पर. घर पर हम सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं ना, क्योंकि वो हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हर चीज से. सो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जानेंगे कि बहुत टाइप के हाउसेस होते हैं. और आज हम ये भी जानेंगे कि ये हाउसेस को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज किया जाता है. एंड वी विल डिस्कस इट मोर इन योर ईवीएस मैजिक बुक. लेट्स बिगिन नाउ. ओपन पेज नंबर 50 एंड 51 इन योर ईवीएस मैजिक बुक. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. देखिए किसकी पिक्चर है. पिक्चर ऑफ अ बंगलो. एक बंगलो की पिक्चर है. और बंगलो मोस्टली कहां पर पाए जाते हैं? मोस्टली कहां पर होते हैं? इन सिटीज. बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर फाउंड इन सिटीज. जो ये बड़ी बड़ी घर होते हैं, ये कहां पर होते हैं? शहरों में होते हैं. और इनको बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज होता है? बंगलो इज मेड अप ऑफ सीमेंट, आयरन रोड्स एंड ब्रिक. बंगलोस को बनाने के लिए सीमेंट का, आयरन रोड्स सरिये का और ब्रिक ईंटों का यूज होता है. देखिए पिक्चर भी दे रखी है ऊपर. तो इस मटेरियल की हेल्प से इनको तैयार किया जाता है. और ये जो बंगलोस होते हैं, ये क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं बहुत, क्योंकि इनको बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी है. कलर द डोर ऑफ द बंगलो. इस पिक्चर में आपको जो बंगलो का डोर है उसको कलर करना है. आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हैं. ओके, तो आपने इसमें डोर को कलर करना है. मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर. पिक्चर ऑफ हट. देखिए हट की पिक्चर है. कहाँ पर होती हैं हट? बताइए कहाँ पर होती हैं हट? Villages. Yes. Huts found in villages. ये mostly कहाँ पर होती हैं? Villages में होती हैं. और देखिए इनको बनाने के लिए कौन से material का use होता है? Hut is made up of mud and straw. इसको बनाने के लिए मिट्टी और straw का use होता है. और ये जो घर होते हैं, ये क्या होते हैं? Strong नहीं होते, मजबूत नहीं होते, क्योंकि ये मिट्टी के बने होते हैं ना, तो इसलिए ये मजबूत नहीं होते. अब देखिए
यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है, यहाँ पर एक गोट की पिक्चर दे रखी है, आपने इस पर पेस्ट द स्टिकर ऑफ गोट, आपने यहाँ पर गोट का स्टिकर पेस्ट करना है जो कि कहाँ पर है, विच इज ऑन द लास्ट पेज। देखिए स्टिकर ऑफ गोट, वी विल टेक इट फ्रॉम हियर एंड वी विल पेस्ट इट हियर लाइक दिस। स्टिकर पेस्टिंग में भी आपको बहुत मजा आता है, तो आपने यहाँ पर इस तरह से स्टिकर पेस्ट करना है। दिस इज अनदर एक्टिविटी ऑन दिस पेज। मूव ऑन नेक्स्ट पिक्चर, इग्लू। इग्लू की पिक्चर है, इग्लूज कहाँ पर पाए जाते हैं, इग्लूज फाउंड इन स्नो एरियाज में, जो बर्फीले इलाके होते हैं ना, वहां पर कौन से घर होते हैं, इग्लू, इग्लूज। और इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस, जो इग्लू हैं वो किससे बने होते हैं बताइए, आइस से बने होते हैं, जो आइस क्यूब्स होती है ना बड़ी बड़ी, ये उनसे बने होते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाइट सा कितना सुंदर लग रहा है ना, कितने सुंदर होते हैं देखिए। मूव ऑन द नेक्स्ट, देखिए किसकी पिक्चर है, टेंट हाउस। टेंट हाउस कहाँ पर पाए जाते हैं, टेंट हाउसेस फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, जहाँ पर रेगिस्तान होती है ना, मिट्टी ही मिट्टी होती है, सैंड होती है, वहाँ पर ये हाउसेस होते हैं। और इनको किससे बनाया जाता है, टेंट इज मेड अप ऑफ क्लॉथ, कपड़े से बनाया जाता है इस घर को। देखिए कितना सुंदर कपड़े से बनाया हुआ ये घर है, इनको क्या बोलते हैं, टेंट हाउस, क्या बोलते हैं बोलिए, टेंट हाउस, यस टेंट हाउस। मूव ऑन द नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पिक्चर, बोट हाउस। देखिए बोट बनी हुई है और उस पे देखिए एक हाउस बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा हाउस है, बोट हाउस, क्योंकि ये बोट पे बना हुआ है ना। और देखिए इसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है, बोट हाउस इज मेड अप ऑफ वुड, ये लकड़ी से बना हुआ होता है, इसको बनाने के लिए किसका यूज होता है, लकड़ी का। और ये जो हाउस होता है ये किस पे मूव करते हैं बताइए, हाउस बोट किस पे मूव करेंगे, रिवर, यस। देखिए कितनी सुंदर रिवर बनी भी हुई है, तो हाउस बोट मूव ऑन रिवर, यस हाउस बोट्स मूव ऑन रिवर्स, रिवर्स पे मूव करती हैं हाउस बोट्स। देखिए एक और पिक्चर है यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, कौन सा हाउस है ये, कारवां, कारवां। देखिए कारवां किस तरह का हाउस होता है, ये एक मूविंग हाउस होता है और इसको लॉन्ग रूटर्स पे यूज किया जाता है। देखिए इसके व्हील्स भी बने हुए हैं, जैसे आपके व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं ना, देखिए इस हाउस के व्हील्स हैं, तो इसको हम मूविंग हाउस है ना, तो हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो ये लॉन्ग रूट्स के लिए यूज किया जाता है। और इसको बनाने के लिए किसका यूज होता है, कारवान इज मेड अप ऑफ वुड और सिंथेटिक मटेरियल, इसको बनाने के लिए लकड़ी का और सिंथेटिक मटेरियल, देखिए वही ब्रिक सीमेंट ये सब किस में आते हैं, सिंथेटिक मटेरियल में इनका यूज किया जाता है। और ये क्या होते हैं, मूविंग हाउस होते हैं, और कहाँ पे मूव करते हैं, रोड्स पे, जैसे व्हीकल्स मूव करते हैं ना, उसी तरह से ये हाउस भी मूविंग हाउस होते हैं, ये भी रोड्स पे मूव करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट, देखिए लास्ट पिक्चर, पिक्चर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, जो एक्सट्रीमली टॉल बिल्डिंग्स होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, स्काई स्क्रैपर्स, यस। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी होती है, आपने देखी होंगी, अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज में जाते हैं तो देखिए वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो देखिए इनको इनको बनाने में कौन से मटेरियल का यूज होता है। स्काई स्क्रैपर्स आर मेड अप ऑफ सीमेंट, आयरन रोड्स एंड ब्रिक। स्काई स्क्रैपर्स को बनाने के लिए भी सीमेंट का, सरिये का और ईंटों का इस्तेमाल होता है। जो भी पक्की बिल्डिंग्स बनती हैं उनके लिए, मजबूत होती है ना जो, तो उनके लिए इन मटेरियल को यूज किया जाता है।
सो स्टूडेंट्स, यही आज का आपका होमवर्क है. आपने इन टू एक्टिविटीज़ को करना है, डोर को कलर करना है और इस पेज को अच्छे से रीड करना है मम्मा पापा की हेल्प से. हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर. थीम 7, मी एंड माय वर्ल्ड. हे फ्रेंड्स, आई एम अपू. वुड यू लाइक टू विजिट आवर वर्ल्ड? Oh, wow! You are saying yes? So, you all live in a house. Your house protects you from sun, winter, and rain. Sun, winter, rain. But, do you know there are different types of houses in different places? Bungalows and apartments are found in cities. Huts are found in villages. Igloos are found in snowy areas. Tent houses are found in desert areas. Houseboats move on rivers. Caravans move on long route. In what type of house do you live? Can you see? There are so many different types of houses. Different types of houses are made from different types of material. Bungalows and apartments are made from cement and bricks. Huts are made from hay and straw. Igloos are made from ice. Theme 7. Me and my world. Good morning, Sonali. Happy morning, Mani. What a bright sunny day it is. Yes, it is. But sometimes the sun is too hot. It is usually hot in the summer afternoons. Yes, when it is very hot, I get inside the house. There, I feel cooler. Our house protects us from sun. You know, one day I was playing outside and it started raining. Then, what did you do? I ran into the house hurriedly. Well done. When it is too cold and it is snowing outside, Mummy asks us to stay inside the house. Yes. If we stay out in winters, we may fall sick. That is why our house is very important to us. It protects us from sun, winter and rain. Oh, yes. It is. But there are different types of houses in different places. Are all houses not the same? No, dear. That's not the case. Can you tell me about the different types of houses? Sure, dear. But first, let us go inside. Here, the sun is too hot. Yes, let's go. Mani and Sonali, where were you both? Mummy, we were outside. Thank you. All right, but now stay inside because it is very hot outside. Okay, Mummy. We were talking about different types of houses. Can you tell us more about it? Yes, dear. There are different types of houses. The house that we are living in is a bungalow. Do we find bungalows in a village? No, we don't. We find bungalows only in cities. Do all people in cities live in bungalows? Some people live in apartments also. Oh yes, Ramesh uncle lives in the tall apartment near the central market. Yes, you are right. He lives on the 5th floor. Mummy, what are such houses made up of? They are made up of bricks and cement. It makes them very strong. Oh, but then where do the people in villages live? In villages, people live in huts. Are these huts made up of cement? No, dear. They are made up of mud, straw and hay. What other types of houses are there? We find a tent house in sandy places. Sandy place? What's that? It is a place where there is a lot of sand. Sandy places are quite hot. Then, which houses are found in cold places? In cold places, there are igloos. Igloo? What's that? Igloo is a type of house.
It is found in snowy places. What is an igloo made up of? It is made up of big ice cubes. Wow, a house made up of ice? Yes, dear. Another type of house is a caravan. It is a moving house. A moving house? How can a house move? Even I'm thinking the same. Yes, yes. It has wheels, just like vehicles have. Where does it move? It moves on roads. Mummy, are there any houses that move in rivers? Oh, yes. How do you know that? I saw it in a movie. But what do we call such a house? All right. Such a house is called a houseboat. Yes, it does look like a boat. Yes, children. So these were the different types of houses. We should always keep our house neat and clean. Sure, I will keep my house clean. I will also keep my house clean and tidy.